अगर बैंकॉक आ रहे हो तो टुक टुक मिस कर मत करना, चाहे वो 50 रुपए ऊपर मांग ले दे देना, पर ये मिस मत करना है ना। तो भाई यहाँ पे देख लो कितना दिख रहा है, 59.5। मशीन में फर्क नहीं पड़ रहा से भाई, यहाँ पे शूज बिना शूज के लाउट नहीं है भाई, क्या करे भाई, क्या करे भाई, कैसे करे भाई, हेलो भाई क्या करे भाई। क्यों है, उससे पूछ लेना क्या वैसे उसके बिना स्पोर्ट्स शूज के वो कर सकते कि नहीं कर सकते, पूछ के क्या ना, पूछ क्या ना। ये देखो अपने इंडिया के बंदे देख क्या स्विमिंग कर रहे हैं तो भाई जब मैं हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली थी, डोले बोले थोड़े से पंप हो गए है ना, बोलना तो डोले भी खेला सामने झूठ बोल रहा है। अब हम जा रहे स्विमिंग करने, चलो पानी पीले पानी है ये तो भाई। तो अभी हमने स्विमिंग कर लिया है, अभी यहाँ से जा रहे हैं होटल, थोड़ी देर बैठेंगे रेस्ट करेंगे, फिर सोच रहे कहाँ पे जाना है। टेंपल जाना था वो तो बंद हो गया, 5 बजे बंद हो जाता है टेंपल यहाँ पे, हमने लेट देखा। अब देखते कौन सी मार्केट जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे घूमने भाई। तो हमने स्विमिंग कर ली, अभी भी देखो लोग स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हम जा रहे हैं अब चाइना टाउन, कुछ देखेंगे शॉपिंग के लिए, कुछ अच्छा मिल गया तो ले लेंगे, निकलते हैं अब। आ जा भाई, भाई चाइना टाउन के लिए 150 बाद में मैंने ये बुक कर लिया है। गुड्डू भाई पहले चढ़ के आ गयो, तूने बैठना बीच में, नहीं भाई बीच में तू बैठ। भाई तो हम पहुँच गए चाइना टाउन मार्केट, हमने बाइक बुक की थी 150 बात में, पर वो उसको पता नहीं था रास्ता ढंग से, फिर वो 200 बात मांगने लग गया, फिर मैंने उसको 180 में भेजा वापस। भाई सबसे मशहूर चाइना टाउन शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह ही है वो। इधर आ KFC खाना, KFC आ जा, कुछ तो खा लेते KFC थोड़ा, चलो आ जाओ KFC खाते फिर हम थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे अगर कुछ अच्छा लगा तो। भाई तो चाइना टाउन मॉल में घूम रहे हैं शॉपिंग के लिए, कुछ देखते हैं। मेरी बहन के लिए कुछ ले नहीं पाया, वो चिल्ला रही है वहाँ से कुछ खरीद के आइयो नहीं तो वापस मत आइयो, तो ढूंढ रहा हूँ मैं कुछ, अगर उसके हिसाब से कुछ मिले तो। चलो देखता हूँ आगे। तो भाई चाइना टाउन मॉल से निकल गए, अभी आगे लोकल स्ट्रीट मार्केट में घूमते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सामान होता है, होल सेल रिटेल हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके गया था, अभी ढूंढते हैं यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए शॉपिंग करेंगे। यहाँ की स्ट्रीट पर जो खाना बन रहा था उनका थाई खाना, मेरे को बड़ी बेकार से स्मेल आती है इसकी भाई, डेली नहीं जाती भाई। ये चाइना टाउन की लोकल मार्केट, यहाँ पे फोन्स वगैरह की टेम्पर्ड वगैरह कवर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा फोन से रिलेटेड आपको, ये चप्पल वगैरह 100 बाट की है, ये अलग अलग रेट है, अभी आगे जाके देखते हो। भाई निकल गए चाइना टाउन से, आज हमारी किस्मत बहुत बेकार थी, चाइना टाउन जैसे ही पहुँचे हम KFC वगैरह खाने लग गए और मॉल चले गए, इस चक्कर में मार्केट हो गई बंद, हमें पता नहीं था 5 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, तो हो गई तगड़ी पीटी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस टुक टुक बुक करके अपने होटल की तरफ, थोड़ा बहुत सामान खरीदा हमने, अब बाकी निकल रहे हैं होटल। या पहले कुछ खाना है, खाना तो है नहीं अभी, खाना भाई तो अपना टुक टुक के मजे लेते हम, आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे, कुल मिला के फुल फन किया है हमने, पर पता है हमें ज़्यादा मज़ा आया था बैंकॉक से। हाँ यार पता है, बैंकॉक में हमारी किस्मत है साथ ही दिया हमारा,
जहाँ पे भी जा रहे थे टाइम इशू आ रहा था या मार्केट बंद थी या कुछ भी हो रहा था, पर इतना कुछ खास नहीं था, पर सही था वैसे बैंकॉक। और बैंकॉक के हमें चार दिन तो चाहिए घूमने के लिए, तभी कवर हो पाएगा हर चीज़। सफारी वर्ल्ड के लिए पूरा दिन चाहिए होता है, फिर टेम्पल्स वगैरह घूमो उसके लिए पूरा दिन चाहिए होता है, मार्केट्स वगैरह के लिए एक दिन, तो 4-5 दिन तो कहीं नहीं गए अपने बैंकॉक के लिए। तो जब भी बैंकॉक का प्लान बनाओ 4 दिन का तो कम से कम बना के आओ, है ना भाई। तो अब पहुँचना होटल, सामान वगैरह रख के फिर घूमने निकल जाएंगे, क्योंकि आज तो हमारा लास्ट दिन है ये। तो भाई मैंने हमें पता किया, ये जो टुक टुक है वो 650 cc का इंजन है उसका, ये अपने यहाँ सुपर बाइक मिलती है इतने की, इतने सीसी की। ये देखो एग्जॉस्ट लगा, और साउंड देखो इसका आ रहा है मजा भाई, मजेदार साउंड है भाई इसका का। भाई पकड़ाते हैं भाई, ये खतरनाक पकड़ाते हैं। भाई ये तो कभी मिस, अगर बैंकॉक आ रहे हो तो टुक टुक मिस कर मत करना, चाहे वो 50-100 रुपये ऊपर मांग ले दे देना, पर ये मिस मत करना है ना, ये मिस करना नहीं बनता भाई। वन टाइम एक्सपीरियंस है, जरूर लेना भाई। रात को तो ये टुक टुक को दुल्हन की तरह चमका के लेके आते हैं, लाइट वाइट जला के फिर भगाते हैं, शाही शाही। चलो अब पहुँच जा रहे होटल में, तो भाई हमने सारा सामान सेट कर लिया बैग में, ये लगेज इसमें बहुत मुश्किल से सामान आया है, एकदम भर भर के ठूस ठूस के लेके जा रहे हैं। ये बुन्नू के बैग में तो आराम से आ गया सामान, मेरा बैग है ना भाई मेरा मेरे बैग में बिल्कुल नहीं है, बुन्नू के बैग में सारा सामान आ गया इसका, बड़ा बैग है भाई, तभी कह रहा हूं बड़ा बैग है। हाँ अब जा रहे हम एक राउंड मारने नीचे, आज आज की रात हमारी आखिरी रात है बैंकॉक में, इस बारी की, हर बारी की नहीं, इस बारी की, इस बार थोड़ा घूम घाम के आते हैं, खा पी के सो जाएंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे, बाय बाय हो जाएगी हमारी बैंकॉक से। सुबह कितने बजे फ्लाइट हमारी? 3:15 बजे की फ्लाइट, हम 11-12 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। तो भाई हमने मार्केट से शॉपिंग वगैरह कर ली, खाना वगैरह खा लिया, बहुत ज़्यादा थक गया, हमारी शक्ल देख के पता चल रहा होगा आपको, और हमने बैग वगैरह पैकिंग वगैरह भी कर लिया, अभी ये थोड़ा सा मन और ऐड करना है इसके अंदर, देखते कैसे एडजस्ट होता है, और फिर कल सुबह हम निकलते हैं यहाँ से। भाई मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का, पता है मैं ज़्यादा मज़ा आया था पर बैंकॉक से, क्योंकि वहाँ पे घूमने को ज़्यादा मिला हमें, यहाँ पे जब जब गए मार्केट बंद थी, हमें टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर ठीक था, अच्छा था। अब पहुँच रहे होटल, तो भाई हम ब्रेकफास्ट करके आ गए, तो सुबह के बजे हैं 11 बजने वाले, और हमने कर लिया पैकिंग, बुन्नू हो रहा तैयार, बुन्नू इतना तैयार होता है भाई, इतना तैयार होता है, इतनी देर तो लड़की कोई मेकअप भी नहीं करती। देखो अभी अभी देखो इसका स्टाइल दिखाइयो, स्टाइल दिखाइयो, कंगी करने का स्टाइल दिखाइयो, ये कंगी करता रहेगा 10-15 मिनट तक भाई, बड़े बाल है ना संभलने में टाइम। हाँ हाँ, तो हमारी टैक्सी वेट कर रही है, 11 बजे पूरे 11 बजे टैक्सी आ जाएगी यहाँ पे, 9 मिनट है अभी, तो हम नीचे उतर रहे हैं, अब हमारे बैंक का ट्रिप हो गया एंड, अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट। अच्छा ट्रिप था, पर बहुत कम ऐसा लग रहा है, 7 दिन तो ऐसे निकल के पता भी चला है ना भाई, अगली ट्रिप कम से कम 10 दिन की, कम से कम 10 दिन की ट्रिप मारेंगे अगली ट्रिप। तो चलो भाई निकलती है एयरपोर्ट के लिए। तो भाई हमने चेकआउट कर दिया, ये देखो हमारे बैग आ गए, ये भाई देख रहे हो, हम दोनों से उठाए नहीं जा रहे थे, अगले आप बस हमारी कैब आने वाली है 2 मिनट में, और बैग बहुत भारी हो गए, तो निकलते एयरपोर्ट के लिए। चलो बाकी बहुत बढ़िया ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। तो भाई आई हमारी टैक्सी, ये बैग रख देते हैं यहाँ पे, चले भाई, चल भाई हमारी, $500 बाद राइट, ओके चल चल भाई।
ओके बाय बाय। आगे भी कुछ रखा है? बैठ ना, बैठ जा आगे। भाई देखो जैसे हम चेकआउट करके निकले, मौसम देखो एकदम बारिश वाला हो गया है और लग रहा है यहाँ पे लगातार बारिश होगी। मैं तो चाहता हूँ हो जो मर्जी हो, अब तो हम निकल गए। भाई निकल पड़े हम अपने सामान लेके। भाई देखो बैग कितने भरे भरे पड़े हैं, मेरे को तो लग रहा है ओवरवेट हो चुका है। बाकी देखते हैं अब क्या बोलते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा पी जाना है ना, पी जाना है। एयरपोर्ट पूरा भरा पड़ा है, ज़्यादातर इंडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। सिक्योरिटी चेक भी हो गया, बैग्स वगैरह जमा करवा दिए हमने यहाँ पे। भाई मेरा पूरा 30 kg हो गया था मेरा बैग, एकदम फुल हो गया मेरा बैग, और इसका भी 15 kg के आसपास होने वाला था शायद। तो ये तो एडजस्ट होगा इजीली। हमने सिक्योरिटी चेक वगैरह करा लिया, अब बस हम पहुँच रहे हैं हमारा D1 जाना हमें। और देखते हो यहाँ पे कुछ धंका मिलेगा तो यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लूँगा थोड़ी बहुत। वैसे बहुत शॉपिंग कर ली है, शॉपिंग ही की है और कुछ किया नहीं है घूमने के अलावा, शॉपिंग करने के अलावा। चलो आगे देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं और फिर कुछ खाते पीते भी है जो हमेशा करते रहते हैं। और ये बुन्नू भाई को मैंने बोला लिक्विड वगैरह मत रखियो, इसने लिक्विड इसमें रख लिया, दोनों को भाई को देना पड़ा, फेंकना पड़ा। तो फिर क्या खत्म हो रहा था ऐसे भी, फिर कह रहा है मैंने दिल्ली में मेरे को रोका नहीं तो यहाँ पे भी रोक लिया। तो भाई अलग अलग होता, तेरी किस्मत अच्छी थी इसने रोकी। चलो ओके आगे जाके मिलते हैं। भाई अब हम बैठ गया फ्लाइट में, कितने बजे, 3:15 हो चुके हैं अभी। अब हम बैठ गया फ्लाइट में और टाइम कितना दिखा रहा है इसमें, 3:15 है। तो अभी हम पहुंचेंगे, 4 घंटे बाद पहुंचेंगे न्यू दिल्ली। बेचारा रो रहा था कि मेरे को ये वाली सीट चाहिए, मैंने दे दी, मैं चल ठीक है तू खुश हो जाए इससे। ओए चेक इन के टाइम पे मुझे मिली रही है। मैं भी दूसरी ले सकता था। कौन सी? पीछे की। हाँ तो साथ में नहीं बैठना है। बता डील क्या हुई बता। हाँ कोलकाता तक था, उसके आगे रैप्टर में चक्कर खा जाएगा। अब जैसे ही उड़ेंगे ना हम वैसे ही छीन लो वहाँ पर, इसे उठा के आ गया। देखो भाई तुम्हें उसकी इमोशनल टॉर्चर कर रहा हूँ, ऐसे ही रहेंगे। मजा आ रहा ना? फिनिश तो भाई अब हम पहुंच गए दिल्ली, पहुंच गए अब हम, और सामान भी सारा ले लिया है। देख रहे हो कितना भर भर के लेके गए। आखिरी पीस ऑफ शॉपिंग भी हो गया गाइस। हाँ ड्यूटी फ्री से हमने जितना फ़ायदा उठाना था उठा लिया। अब जा रहे हैं कैब करेंगे, बुक करेंगे, मैं जितना फ़ायदा उठाना था उठा लिया। हाँ चलो भाई ट्रिप बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया, मेरा बर्थडे बहुत अच्छा बना। 30 तारीख को मेरा बर्थडे था, मैं इस चक्कर में बैंकॉक गया था, बैंकॉक और पता सेलिब्रेट करने, और बहुत अच्छे सेलिब्रेट भी किया और बहुत मज़ा भी आया। और अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। और अगर जो जो चीज़ें पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर भाई का रोड टू 10K है, 10K दिल्ली से तो हाँ। और अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ भी हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। तो चलो बाय बाय, हमारी ट्रिप होती है ख़त्म। बाय बाय।